मेमन साहब को बोलो। अब मैं मोहतरम अजीज मेमन साहब से गुजारिश करूंगा, अजीज भाई आखिरी तेरे चार इनाम आते हैं, बस ये वेट ना रही लेकिन आखिर सोचिए वक्त आखिर में आके बरकाना बिल्कुल बहुत से चार इनाम माड़ू मोकले हुए के गिर ला कर मोहतरम हनीफ पोची साहब से मैं गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। सलीम अनवर दाना वाला साहब से गुजारिश करना, नेबू तालिब साहब से भी गुजारिश करना, उसका ऐसा आई बो अब भी अचीव नो क्योंकि आई के आई जमात के पिंजा वर्थ थे माशाल्लाह ने ये गोल्डन जुबली हली रही है जी जमात जी, तो असि ख्वाहिश है कि स्टेज के मत रही ताकि बी जमातों भी इतनी कामयाबी से अगर वतन। मोहतरम करीम भाई ने मोहतरम हनीफ भाई तरसाई मेमन जमात जहाँ प्लीज़ आए भी तशरीफ गिने चो ने सलीम लाखानी साहब इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन जेतपुर मेमन एसोसिएशन मुमताज़ खुदा खिदमतगार मेमन कम्यूनिटी जहाँ हर प्रोग्राम में मौजूद हूं था अलहमदुल्ला ने हौसला अफजाई फरमायन था तमाम जी जी। हाँ मुकाबले 16 से 20 साल के बॉयज लड़कों की फहरिस्त और नतीजा सबसे पहले मेरे सामने है और यकीनी तौर पर तमाम ही नातख्वान हैं, बहुत ही उम्दा, यानी कि किसी को बुरा तो कहा नहीं जा सकता लेकिन उनमें सबसे आला जो है वो आज जो अव्वल इनाम के हकदार करार पाए हैं 16 से 20 साल की कैटेगरी लड़कों की, उसमें बेहतरीन तमाम ही जजेस साहबान की मुत्तफिका राय है कि इस मुकाबले में अव्वल इनाम है। आपका कोई आइडिया आप लोगों ने लगाया होगा, कोई लगाया आपने सर, आपने कोई अंदाज़ा रखा होगा आप तमाम अहबाब ने भी, तो मोहम्मद हमजा रहमानी सुभान अल्लाह तो बनता है अंदाज में कहूंगा कि एक जय्यद नातवां की हैसियत से मैं ये नहीं कहूंगा कि जो नोक पलक दुरुस्त की हमारे मेहमान ग्रामी हमारे जजेस साहिबान ने, लेकिन पक्के नातवां की हैसियत से हमजा रहमानी ने आज प्रूव किया। बहुत बहुत मुबारक हो हमजा और उनके फैमिली। नाउ 12 से 16 साल के बच्चे और बच्चियों के दरमियान जो मुकाबला हुआ बड़ी अच्छी आवाजें आज भी सुनने को मिली, तो तीसरा इनाम इस कैटेगरी में मुत्तफिका फैसला जजेस साहिबान का हफ्सा अब्दुल हफीज तशरीफ लाइए। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हफ्सा ने, गो के कुछ जगहों पे इनके मार्क्स हमारे जजेस ने पहले ही बताया कि कुछ तलफ़ की अदायगी कुछ अल्फाज का सही इस्तेमाल, लेकिन कॉन्फिडेंस में कहूँ तो यकीनी तौर पर सफ़े अव्वल रहीं हफ्सा अफसी, तो बाआवाज़ है बुलंद अगर माशाल्लाह सुबहान लगेंगे तो इस बच्ची का हौसला और बुलंद होगा। और वो तमाम बच्चे मैं फिर कहूँगा कि आप जिन जिन बच्चों ने भी आज इस मुकाबले में हिस्सा लिया तमाम ही हमारी नज़र में अव्वल नंबर के हकदार हैं, क्योंकि आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ फरमाई है, तो यकीनी तौर पर इसका अजर तो हम दुनिया में बयान नहीं कर सकते, लेकिन यकीनी तौर पर आज का ये क्योंकि ये मुकाबला है और मुकाबला में एक दो नंबरों से सब आगे पीछे होते हैं। नाउ दूसरे इनाम का हकदार 12 से 16 साल की बच्चे बच्चियों की कैटेगरी में हासिल किया है अम्मार अनवर तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह अम्मार अनवर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे इस नन्हे नातख्वान ने बहुत ही बड़े कलाम को पढ़ा और बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब ने बिल्कुल सही फरमाया अम्मार अनवर आई के आई पूरी फैमिली के जितना भी पेरेंट्स जहाँ मौजूद हुए घर जाए बाप ने बधे के बेहद मुबारकबाद। नाउ फर्स्ट पोजीशन अव्वल इनाम 12 से 16 साल जे बच्चे बच्चियों जी कैटेगरी
Go ahead, any guess? Whose? Good. I am jo idea almost akade jado hai. Pehle naam pe agda karar pa hai. Taha Ashfaq. Subhanallah. Koi isli ka आशवाक आज फिर एक बार फिर हमारे मेहमान खास के लिए कुछ शेर्स हैं, मैं गुजारिश करूंगा अनी सरफा साहब से, हनीफ तैयब साहब से,